पटेल जी का स्वागत है। जय श्री राम। बिंदर भाई को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद दिल्ली के जो हमारे महा सहायक निदेशक जी से निवेदन है, श्री निहाल चंद शर्मा जिला। निवेदन करूंगी कि वो श्री वीरेंद्र भट्ट मेयर नगर निगम मंडी का भी स्वागत। तो कृपया थोड़ा हमें इस चीज के लिए क्षमा करें और आप प्लीज ये पूरा प्रोग्राम जो है उसको अटेंड करें। हम धीरे धीरे सारे घड़ी हिमाचल फरवा आओ ने, जितनी भी बार फरवा आओ तेरे हमारा संस्था ने मुलाकात तुम्हें जरूर लो। हिमाचली होने का ऋण अदा किया है इस संस्थान को अपना अथाग। श्री अनिल शर्मा भी बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं हमारे। हिमाचल प्रदेश में जड़ी बूटियों का भंडार भरा हुआ, इसमें हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो काफ़ी काम कराए और ये इंस्टीट्यूट भी इसमें सहयोग देगी हमें। और दूसरा पंचकर्म के बारे में मैं आपको बताऊँ तो पंचकर्म बहुत ही अच्छी चीज़ है। पंचकर्म में जो बॉडी का जो ब्लड का जो ब्लड में जो टॉक्सिन प्रोडक्ट है उसका डिटॉक्सिफिकेशन वहाँ यूरिन है, ब्लड है, स्वेट है, वॉमिटिंग उसके द्वारा किया जाता है। और उसे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उसमें तो बहुत ही अच्छा उसका रोल है कि आपका डायबिटीज कुछ मात्रा तक है तो आप पंचकर्म से उसको ठीक ठाक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हिमाचल का भी अभी नाम ये इंस्टीट्यूट में मोदी जी स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये इंस्टीट्यूट भी आगे जाके बहुत काम करेगी। आज हमने 9 वार्ड बनाए प्लस ऊपर जनरल वार्ड भी अवेलेबल है तो यहाँ लोग आएंगे पंचकर्म करवाएंगे और रोग मुक्त भी होंगे और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कोई किसी को रोगी नहीं बनना है तो वो भी आके यहाँ पंचकर्म करवा सकते हैं। एक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान का नवनिर्मित बिल्डिंग का जो आज इनोग्रेशन हो रहा है साथ में पंचकर्म एवं योग ब्लॉक, ये आने से हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता को लाभ मिलेगा। साथ में हिमाचल प्रदेश देवभूमि है तो यहाँ बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं तो जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है उसकी इसकी तरह में यहाँ काफ़ी लोग बाहर के भी लोग हैं। और आज मैंने यहाँ जो हट देखा वो बहुत ही अच्छा हट है जिसमें सब फैसिलिटी है, जो 5-स्टार होटल में जो फैसिलिटी मिलती है वो सब टाइप की फैसिलिटी हट में मिलेगी और लोग यहाँ आके पंचकर्म कराए, योग करें और हेल्थ और वेलनेस के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। तो ऐसे भी अपने स्वास्थ्य के लिए मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ कि आप आयुष वे ऑफ लाइफ जियो और उसमें ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा योगदान अपना करेगी। पंडित जी का सपना था, खुद भी वो आयुर्वेद में बहुत विश्वास करते थे, योगा जिंदगी का उनका अपना एक बहुत बड़ा इरादा जिसकी वजह से वो 96 साल तक उन्होंने अपने जीवन की जो और ये सपना इसलिए कह सकता हूँ कि पूर्व में हम पंडित जी यहाँ के विधायक रहे, मैं लगातार हम भी मैं विधायक हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व और बहुत है कि इसमें आज हम इसका भविष्य देख पाए हैं कि ये हमारा पूरा हुआ क्योंकि ये हाईवे के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आयुर्वेदा के ऊपर टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। टूरिज्म क्षेत्र में भी हम इसको देखें तो बाहर से यदि केरला में आज बहुत बड़ा टूरिज्म जो है उसको पंचकर्मा और इस आयुर्वेदा से वहाँ पर हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।